بسم الله الرحمن الرحيم. और अब तकवे का मियार क्या हो गया? तकवे का मियार ये है हक तुकाते ही. तकवे का मियार नमाज नहीं है, तकवे का मियार रोजा नहीं है, तकवे का मियार हज जकात नहीं है. क्या मतलब मौलाना? आप तो कहते हैं जो नमाज रोजा करे वो अच्छा है. है, लेकिन जब जमीन विलायत में बोया जाए उस वक्त तकवे का मियार है. फल फूल कब देगा ये अमल आपका? जब जमीन विलायत में बोया जाए. फल फूल कब देगा? जब हक का तुकाते ही हो. खुदा, ये तो मैं अपने घर से किसी जुमले को लिख के नहीं लाया ना. या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलु फिस्सिल्मे काफ्फा, सिल्म में दाखिल हो जाओ. तो इबादतें उस वक्त अपना रंग दिखाएंगी, इबादतें उस वक्त निखरेंगी, इबादतें उस वक्त दिलकश होंगी. इबादतें कब्र की पहली रात, इंतजार के वक्त, पुल सिरात पर, मीजान के वक्त, उस वक्त अपना रंग दिखाएंगी जब उगी होंगी ना दुनिया में. ज़ल्ला सायहुम फिल हयात दुनिया, उन लोगों में से हम ना हो कि जिनकी दुनियावी इबादतें अकारत चली जाएं, राया चली जाएं, उनमें से ना हो. यही तो, इसी वजह से ज़ियारत कहती है कि मौला जब आप आएंगे ना. अच्छा, ये तो मौला हुसैन की ज़ियारत, ज़ियारत जामे कबीरा और दीगर ज़ियारतों को छोड़िए, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में है. फमाअकुम माअकुम ला माअदुवकुम, मौला जब आपका ज़ुहूर होगा और जब रिजत आपको नसीब होगी तो मौला अब्बास मैं आपके साथ हूं, आपके साथ. अरे मोमिन, एक दफा कह दे, दो दफा क्यों कह रहा है? आपके साथ हूं, आपके साथ, ताकीद की जा रही है. लामा अदुवकुम, आपके दुश्मन के साथ नहीं हूं. देखो मोमिन, जरा सोच के कहना, अब्बास के बहुत से दुश्मन ऐसे हैं कि जो मुसलसल नमाजें पढ़ रहे हैं, अरे जहन्नम में जाए. मेयार अबुल फजल अब्बास है, हुसैन इब्ने अली तो, अली इब्ने अबी तालिब तो बहुत आगे की बात है. जहां परवरदिगार आलम अब्बास जैसी हस्ती के जो जात हुसैन इब्ने अली में फना है, छठे इमाम उनसे मवद्दत और मोहब्बत को ईमान का मियार करार दे रहे हैं. तुम हुसैन इब्न अली की बात कर रहे हो, तुम अली इब्न अबी तालिब की बात करो. अरे अबुल फजल अब्बास के बारे में दिल में जरा सा बाल आ जाए, ईमान गया. हुसैन की बात छोड़ो. मौला, ए अबुल फजल अब्बास, जब रिज्जत होगी ना, हमारे बारहवें आका आएंगे और आपको उठाया जाएगा बारहवें सरकार की मदद के लिए, तो माअकुम माअकुम ला माअदुवकुम, आपके दुश्मन के साथ नहीं हूं, आपके साथ हूं. भाई दुश्मन कौन है? देखो मियार हमारी दुश्मनी पर रखो. मौला अब्बास, हो सकता है कोई नमाजी परहेजगार मुत्तकी आपका दुश्मन हो, कोई फासिक और फाजिर आपका दुश्मन हो. देखो जब बात हमारी दुश्मनी की आ जाए ना, तो फासिक और फाजिर और मुत्तकी एक हो जाता है. फासिक और फाजिर को उसी मुत्तकी के साथ रखना, वो मुत्तकी उसी फासिक और फाजिर की तरह है. मियार हमारी दुश्मनी और हमारी दोस्ती है. हमारी दोस्ती के दायरे में आकर, हमारी मोहब्बत के दायरे में आकर अगर इबादत करे तो आदिल है. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद.